अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पेंटिंग का सामान खोला हुआ है, तो मैं आर्ट करने लगी हूँ, तो पेंटिंग करने लगी हूँ। तो मैंने ना एकेडमिक से ये गोल वाला अब इस बार ही बोर्ड लिया है, ठीक है, एकेडमिक का, क्योंकि मैंने चौरस पे और दूसरे पे बहुत बनाई है, तो मुझे अब मेरा दिल कर रहा था इस पे बनाऊँ। तो मैं क्या बनाने लगी हूँ, ये भी बहुत अच्छा वाला है। तो मैं इस बार कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ, इस बार यूज़ कर रही हूँ क्लेरिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है ना, भला कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, ये ना पेपर पर भी यूज़ हो सकते हैं, वुड पर भी, फैब्रिक पर भी, नेल्स पर भी। ये कलर ऐसे हैं कि नेल्स पर भी यूज़ हो जाएंगे, जैसे नेल आप बना रहे हैं तो नेल पर लगाएंगे तो नेल पर भी यूज़ हो जाएंगे, और फेस पे, फेस पे भी यूज़ हो जाएंगे। फेस पे वैसे लिखा नहीं है, पर पेपर और कन्विक्स वुड और फैब्रिक पे लिखा है। हाई क्वालिटी के हैं ये, पैकिंग वो ड्राई, ज़्यादा जल्दी ड्राई होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये कितने, 1 2 3 4 5 6 कलर का लिया है, और ये मुझे मिल रहा है 550 का। ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े कलर, अगर आप वाटर कलर लेते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, पर ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े। तो ये मुझे सारे कलर अच्छे लगे, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। बेसिक एक्रेलिक कलर, बेसिक हाँ, कलर जो होते हैं वो लिए हैं ना आपने? बेसिक कलर लिए। इन कलर से ना सारे कलर बन सकते हैं, पिंक लाइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, शॉकिंग पिंक भी, लाइट हाँ, पर्पल भी। बस आपके पास एक वाइट कलर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ये कलर होंगे तो आप ये लाइट, ये सारे डार्क बेसिक कलर होंगे, तो लाइट कलर भी बन जाएंगे इसके साथ। बहुत अच्छे कलर हैं ये, इन सारे कलर से आप सारे कलर निकाल सकते हैं, सारे डार्क ब्लू ग्रीन, ये सारे कलर निकाल सकते हैं अगर आप इनको जानते हैं कि कलर में कैसे आपने करना है, कौन से कलर में क्या। तो मैं आज बनाने लगी हूँ सीनरी बनाने लगी हूँ, और वो बनाने लगी हूँ हमारे जैसे मौसम होते हैं ना, चार मौसम, ठीक है, उसके मैं चार वेदर बनाने लगी, फोर वेदर बनाने लगी, ठीक है। क्या होता है, गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार, ठीक है, समर, विंटर और ऑटम, ऑटम। तो ये सारे मैं बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर क्या किया है, मैंने ना इसको ना चार हिस्सों में डाल लिया, क्योंकि हमारे पास चार वेदर होंगे, तो चार हिस्सों में मैंने डाल लिया, और मैंने बीच में लगाई है टेप। आप टेप दूसरी यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर टेप होती है वो ज़्यादा अच्छी बेस्ट रहती है, तो मुझे तो ये भी चल जाएगी, तो इसलिए मैंने ये शीशा टेप लगाई है। तो आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, और आपके लिए एक कलर होना चाहिए ग्रीन, येलो और वाइट, ये कलर होना चाहिए। तो मैं अभी ये कलर लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा जब बना बोलो तो सही। तो मैंने ये बना लिया वेदर, ठीक है। आप इसके अंदर मैं बनाऊंगी ट्री, ठीक है, दरख्त बनाऊंगी, ताकि ये चारों वेदर कवर हो जाए हमारे। तो ये किस तरह होंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लैक कलर से बनाऊंगी। ब्लैक पेंट कहाँ है मेरा, ये मैंने ना वाटर पेंट लिया है ब्लैक कलर में। वाटर पेंट इसलिए लिया है क्योंकि ये ज़्यादा ब्लैकिश करने के लिए ना, वाटर पेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है, तो इसलिए मैंने वाटर पेंट लिया। तो अब ये वाटर पेंट मैं हाफ हाफ हिस्से पे सर्कल के ब्लैक कलर करूँगी, ताकि अच्छा लगे, और ये फिर चारों वेदर आपको दिखाऊँगी किस तरह लग रहे हैं। जब ट्री बनाऊँगी मैं फिर आपको दिखाती हूँ, फिर उसका अलग अलग किस तरह से सेट करना वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं ब्लैक कलर करती हूँ ये हाफ हिस्से पर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हो गया, बस थोड़ा सा है क्या, हैं, कैसी लग रही है पेंटिंग, आप सबने बताना नीचे कमेंट में बताना, आप लोगों ने अच्छी लग रही है, और आप लोगों ने भी नीचे कमेंट में बताना है मुझे कि किस तरह की लग रही है ये पेंटिंग, अच्छी या बुरी, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा रह गया बैलून्स बनाने हैं, बस बन गए। येलो कलर, धनिया, ये रही मेरी पेंटिंग। आप सबने मुझे नीचे
कमेंट में बताना कैसी लगी। तो पूरी बना लिया मैंने, ठीक है, चार वेदर रखे हैं मैंने, फोर वेदर थे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल लगी मुझे, मुझे काफ़ी टाइम लगा, पर मैंने कहा आज ही ये पूरी करनी है। तो अगर आप लोगों ने और कोई पेंटिंग बनवानी है, आप लोगों ने देखना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।